जोहार साथियों, 20 अप्रैल को जेएसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है और ये जो नोटिस है किसके बारे है, ये नोटिस है विज्ञापन संख्या 13/2023 और इसमें है झारखंड प्रारंभिक शिक्षा प्रशिक्षित सहायक आचार्य, मतलब जेएसएससी टीचर वाली वैकेंसी के रिगार्डिंग है। और इस नोटिस के थ्रू उन्होंने बता दिया है कि जो एग्ज़ाम जेएसएससी टीचर वाला है वो 27/4/2024 से स्टार्ट हो रही है। मतलब जो शंका बनी हुई थी कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं, कब होगी, कैसे होगी, अब ये शंका के बादल है वो छट गए हैं और जो एग्ज़ाम है 1 to 5 वालों के लिए, अभी स्टार्टिंग में 1 to 5 के लिए, उसके बाद ऑब्वियसली उसके बाद 6 to 8 के लिए एग्ज़ाम होंगे। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा बहुत से लोगों को, जैसे सीजल वाले, तो बेशक उनकी भी एग्ज़ाम हो जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे अंदर ही अंदर अब दोबारा से रीस्टार्ट कर रही है, दोबारा से एग्ज़ाम्स को शुरू कर रही है। तो चलिए हम पहले इस नोटिस को थ्रू आउट पढ़ लेते हैं। और इस नोटिस में बताया गया है कि 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, कब से, 27 तारीख से, 27/4 से स्टार्ट हो जाएगी। और जो इसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे वो 24 तारीख से। लेकिन इस बार चेंजेस क्या हैं, चेंजेस ये हैं कि सबसे पहले पेपर 1 की एग्ज़ाम होगी, पेपर 1 की एग्ज़ाम होगी और इस पेपर में जो बैठेंगे, कहने का मतलब 27 से स्टार्ट होगा या 1 2 1 2 3, मतलब 3 4 केंद्र बनाए गए हैं, 4 केंद्र के अंतर्गत हो सकता है एक बार में सबको ना एग्जाम कराया जा सके, तो ऐसे स्थिति में वो 2 या 3 दिन एग्जाम ले सकती है जो स्टार्ट होगी 27 से, हो सकता है 27/28 को भी हो सकती है। ठीक है, मतलब उसके हिसाब से कब से होगी उसकी फुल गारंटी नहीं है। मान लेते हैं 27/28 को 2 दिन ले ली या 29 भी ले ली, तो ये कहलाएगा पेपर 1 का एग्जाम। और जो पेपर 1 का एग्जाम देगा उन्हीं का पेपर 2 के लिए भी एडमिट कार्ड निर्गत होगा, नहीं तो नहीं होगा। इससे जेएसएससी को साफ पता चल जाएगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग ऐसे ही भर दिए हैं, तो उनका थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा। तो उसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो 29 तारीख से भरना यानी डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है इसके 29 तारीख को एग्जाम होगी नहीं, 2 3 दिन की गैप लेगा, तो मान लीजिए 30/1/2, तो फाइनली जो आपका मेन कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि पेपर 1 तो क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें यदि आप बैठ गए और 30% से ऊपर लेके आ गए तो आपको मतलब एलिजिबल हो गए हैं पेपर 2 और पेपर 3 के मार्किंग के लिए। आने का मतलब पेपर 1 नहीं दिए तो आपका एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा 2 एंड 3 में, लेकिन आप एग्जाम में बैठ गए पेपर 1 का और आपका 30% या इससे ज़्यादा नंबर आ गया तो पेपर 2 और 3 का मार्क्स क्या किया जाएगा, मतलब कोई आपका पेपर 2 और 3 का पेपर को जांच किया जाएगा, आपके मार्क्स को मार्किंग किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपका मेन एग्ज़ाम जहाँ से कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ से मेरिट लिस्ट बनता है, वो 2 मई के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके लिए आज से यदि 21 तारीख है तो कम से कम 10 दिन है मेन एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इससे पहले जो एग्ज़ाम देना है वो दे दीजिए। और पेपर 1 के लिए भी आप 1 2 टेस्ट पेपर दे के जाइएगा। तो आइए थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं किस तरह से किया जा सकता है। इसमें आपका 1 to 5 के लिए 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ये क्वालिफाइंग नेचर का, ये मार्क्स नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा। तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा यहाँ से 100 100 मार्क्स पेपर 2 से और यहाँ से 200, यहाँ से पेपर 3 से, सॉरी वहाँ 100 लिखना था, यहाँ से 100 और यहाँ से 200, मतलब 300 पे मेरिट बनेगा। तो आप समझिए कि मार्क्स अब कहाँ से बढ़ाना है। जो सबसे ज़्यादा आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं यहाँ पर पेपर 2 में, आपका जनजातीय है, क्षेत्रीय भाषा में से कोई एक चूज कीजिए, और जितने भी मुंडारी भाषा वाले हैं वो तो आपने मुंडारी चूज कर ही लिया होगा। तो इस 100 में से 100 मार्क्स को कैसे गेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा
यहाँ से आपको 90+95 के रेंज का मार्क्स लाना पड़ेगा, तो आप सिलेक्शन के दौड़ में सबसे आगे हो जाएंगे। ये कैसे पॉसिबल है? आप जो एक सप्ताह का समय मिला है, इन एक सप्ताह के दौरान ये मुंडारी का सिलेबस है, इसको पूरा पूरी पढ़ लीजिएगा। संज्ञा है, साहित्य है और निबंध वगैरह, कहानी वगैरह है, मुंडारी शिष्य साहित्य है, कविता, बिरसा मुंडा, प्रेम प्रसंग, प्रकृति गीत। सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान दीजिए, बिरसा मुंडा के उलगुलान, गया मुंडा, चोटी मुंडा, मांगे पर्व, मांडा पर्व और त्वरय पर्व इत्यादि, ये हॉट टॉपिक होने वाला है। बाकी तो आप पढ़ ही लिए होंगे ये सब, जैसे बूढ़ा और सियार की कहानी, जीव जंतु की कहानी। तो इसके लिए किताबें जो हैं अनायम दुरंग वाला, अनायम दुरंग वाले किताबों का प्रयोग कीजिएगा, चाहे वो मुंडा लोक कथाएँ हों या फिर किसके द्वारा लिखा है, मुंडा लोक कथाएं बोल एक है, दूसरा भैरव मुंडा के द्वारा लिखा गया जो पुती है, उस पुती से भी आप दड़ा जमाकन होरोकानी को यहाँ से अनायम दुरंग यानी अनायम कहानी का आप सहारा ले सकते हैं। शिष्ट कहानी के लिए नए नए कुछ शिष्ट कहानियां हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। यदि आपने अब तक थोड़ा सा आपको डर लग रहा है कि यहाँ पे मार्क्स कैसे लेके आए, मतलब पेपर टू में मार्क्स कैसे लेके आए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप उलगुलान टीम के साथ जुड़ भी सकते हैं। इसका नंबर 91-10-91-83-60, इस नंबर पे संपर्क करके एक सप्ताह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा के, क्वेश्चन लगाइए इससे रिलेटेड, टेस्ट सीरीज में ये कवर कर दी गई है। और जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 85 से 90 क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से ला सकते हैं, तो हमारे टेस्ट सीरीज से जोड़ लीजिए। कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो उसका वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, उसका PDF नोट देख लीजिएगा, तो आपका यहाँ से जो पेपर टू का डर है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बच जाता है पेपर 3। पेपर 3 में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी 50 नंबर का होगा, उसके बाद सामाजिक विज्ञान 75 का, और विज्ञान और गणित नॉर्मल क्वेश्चन क्वेश्चन होंगे 75-75 करके, तो 75-75 150, और ये टोटल हो गया 200। 200 में भी कोशिश कीजिएगा अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का। यदि 150 में आप 200 में 150 लेके आ जाते हैं और इधर से 95 लेके आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है वो पूरी तरह बढ़ जाता है, मतलब 245 मार्क्स आ गया आउट ऑफ 300। सिलेक्शन अब कोई तुमको रोक नहीं सकता। तो ये तो था पेपर मतलब 1 to 5 के लिए। लेकिन 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 अब 6 to 8 को भी ध्यान रखनी चाहिए। जैसे ही इनका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों के लिए एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपका मई में, 10 मई से लेकर 15 मई के बीच में आपका भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास थोड़ा सा इन लोगों से 10-15 दिन और समय होगा। उसके लिए आपको अपनी तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। थोड़ा सा आपके पास ज़्यादा पेपर हैं, पेपर 1, 2, 3 एंड 4 सेम है, पेपर 2 क्वालिफाइंग मार्क्स का है, यहाँ पर 30% लेके आ जाना है। उसके बाद पेपर 2 ये है फिर से आपका जनजाति और क्षेत्रीय भाषा, जो मुंडारी भाषा वाले हैं वो उलगुलान के साथ जुड़ के इसमें जो 100 है इसमें 95 तक का स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद समझ गया, समझ समसमय की ये पूरा के पूरा 100 मार्क्स का रहेगा, और फाइनली आपका हो जाएगा पेपर 4। पेपर 4 180 मार्क्स का होगा, जिसमें आप साइंस के टीचर हैं तो गणित एवं विज्ञान आपको चूज करना है। उसमें गणित, भौतिक, रसायन और वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान है, उनमें से 5 भाग में विभक्त है, ठीक है। इसी तरह यदि आप SST के टीचर हैं तो सामाजिक विज्ञान और भाषा के टीचर हैं तो कोई भी भाषा को आप चूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी भाषा सम्मिलित रूप पूछा जाएगा, जिसमें 50% अंग्रेजी से तथा 50% उपयुक्त भाषा से, मतलब यहाँ जो 180 क्वेश्चन होगा उसमें 90+90 का रोल होगा। यदि आप भाषा वाले हैं तो आप 90 भाषा वाला होगा और 90 इंग्लिश वाला होगा, जो भाषा आप चूज करते हैं, PRL चूज करते हैं तो PRL वालों का भाषा होगा 90 नंबर का, और साथ में इंग्लिश होगा 90 नंबर का।
यहाँ से 180 होगा, यहाँ से भी स्कोर करना है। और पेपर टू पे विशेष नज़र रहनी चाहिए, पेपर टू 100, पेपर थ्री 100, पेपर फोर 180, तो 280 हो जाएगा। यहाँ कोशिश कीजिए 95 के रेंज में, यहाँ कोशिश कीजिए 60+ लाने का, यहाँ से 100+, आपका सिलेक्शन का चांसेस पूरी तरह बढ़ जाता है। हालांकि सीट अच्छे खासे हैं, तो कट ऑफ थोड़ा कम ही रहने वाली है, लेकिन कंपटीशन को हल्के में मत लीजिए और जोर शोर से तैयारी में लग जाइए। यदि मुंडारी का सिलेबस की बात करें, पेपर टू और पेपर फोर दोनों के लिए, 6 to 8 के लिए, ये हैं, व्याकरण है, लोकगीत है, शिष्ट कविताएं हैं, उसके बाद लोक कथा है, शिष्ट कहानी है, उसके बाद लेखक की जीवनी है। इन सारे टॉपिकों पे आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, इससे रिलेटेड कोर्सेस चल रही है। जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, और नंबर हमने पहले बता दिया, 91 10 91 83 60, इस पे जुड़ के आप अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित करते हैं। मुंडारी भाषा के लिए तो आपको सोचना नहीं है। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से फिर से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहेगी, और CGL वाले तैयार रहिए, और आप भी तैयारी में पूरी तरह मगन हो जाइए। कोई भी दिक्कत हो आप गुलाम से संपर्क कर सकते हैं। दोबारा